एनएच और बाईपास रोड से सटे थाना के मिलीभगत से होती है अवैध वसूली का कारोबार। चालक के पैसे नहीं देने या फिर बकझक करने पर सीधे ठोक दिया जाता है, या दलालों की बातें नहीं मानने पर चालक को पुलिसिया रौब दिखाकर उसे बंद कर देने की धमकी देकर पैसे ऐंठते हैं, या सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता है। आजकल यह कारोबार खूब फलता फूलता नजर आ रहा है। ग्लोकल हॉस्पिटल के पास बाईपास रोड भागलपुर सबौर और लोदीपुर के क्षेत्र में आए दिन एनएच पर शाम ढलते ही दबंगों का तांडव शुरू हो जाता है। पुलिसिया गुंडागर्दी, पुलिसिया रौब का नज़ारा देखना हो तो सीधे आइए एनएच या फिर बाईपास रोड। शाम ढलते ही एनएच पर वाहन चालकों से पुलिस की आड़ में दलालों के साथ पुलिसिया गुंडागर्दी शुरू हो जाती है, अवैध वसूली का कारोबार शुरू हो जाता है। भागलपुर बाईपास रोड में खुलेआम ग्लोकल हॉस्पिटल के पास सबौर और लोदीपुर थाना के मिलीभगत से दलालों के द्वारा अवैध वसूली करने के संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की गई है, परंतु इस पर किसी की नज़र नहीं जा रही। बताते चले कि सबौर थाना और कजरैली थाना लोदीपुर थाना के इशारे पर अवैध हथियार के भय से आम ट्रकों को माइनिंग और परिवहन का भय दिखाकर प्रत्येक गाड़ी से 2-2 हज़ार और छोटी गाड़ी से 500 रुपया तहसील कर रहे हैं। साथ ही रंगदारी और अवैध वसूली करने के दौरान एक मारुति गाड़ी उजला कलर का सड़क पर लगाकर एवं हाथ में पिस्टल लहराते हुए रंगदारी के तौर पर अवैध वसूली कर रहे दलालों को खुद थाना ही सुरक्षा प्रदान कर रही है। वसूली करने वाले जगह पर थाने की गाड़ी भी खड़ी रहती है। जब कोई ट्रक पैसा देने का विरोध कर रहे हैं तो उसे पुलिस के द्वारा पकड़कर जब्त करने या फिर माइनिंग का हवाला देकर बहन को वाहन को जब्त कराने की बात कहने लगते हैं। कजरैली थाना की पुलिस रात भर सड़क पर दौड़ दौड़ कर ट्रकों को पकड़ पकड़ कर अवैध राशि का तहसील कर रहे हैं। जो लोग विरोध करते हैं उसका गाड़ी और ड्राइवर को पकड़ कर जेल भेजते हैं। इतना ही नहीं, उस ड्राइवर की जीवन लीला भी समाप्त कर दी जाती है। ताज़ा मामला सोमवार की रात और मंगलवार की रात 10 बजे से 1 बजे के बीच की है। यह कारनामा सबौर थाना क्षेत्र के ग्लोकल हॉस्पिटल के सामने टोल प्लाजा के पहले जीछो गांव के पास एवं कजरैली रोड का है। आप ग्रुप पे ट्रक से अवैध वसूली वाला मामला उजागर किए हैं, क्या मामला है? यह मामला है कि सरकार जो कानून नया नया ला रही है उस कानून का भय भागलपुर जिला के कुछ थाना के पुलिस, जैसे कि लोदीपुर है, जगदीशपुर है, जगदीशपुर ने लोदीपुर है, 2-3 थाना है जिसको रात भर ट्रक वाले से अवैध वसूली करने में रहते हैं बाईपास में। और इस बाईपास में स्थिति यह है कि रात के पुलिस नहीं रहता, उसके साथ अवैध लोग रहता है हथियार के साथ, पुलिस रहती है उसकी सुरक्षा में। जब ट्रक वाला लड़ता है तो पुलिस आकर कहता चलिए थाना में माइनिंग आया हुआ है, यह भय दिखाने में रात भर पुलिस अपना काम करती है, जिसके कारण जाम भी लगती है और गाड़ी लोग ड्राइवर छोड़कर भाग जाते हैं। 5,000 3,000 4,000 इसी तरह का अवैध वसूली कराया जाता है अवैध लोगों से। इस तरह की कई घटना रोड पे एनएच पे आती है कि आप ड्राइवर से मारपीट या पैसा छिनतई लूट की घटना आती रहती है अक्सर? हाँ, टोटल लोग वहाँ का जो फाइनेंसर के नाम पर जो कहा जाता है ना कि फाइनेंसर का लोग है, तो फाइनेंसर के नाम पर वहाँ अवैध लोग रात भर सड़क पर, पुलिस से ज़्यादा वही लोग रहता है, उसका सुरक्षा वहाँ के थाना करता है। घोघा से लेकर 0 माइल तक केवल फाइनेंसर के नाम पर अवैध लोग, जितना इलाका के जो गुंडा तत्का लोग है, टोटल लोग अवैध बिना नंबर का जाली नंबर का गाड़ी लगा कर, गाड़ी के आगे में गाड़ी लगा दिया और पैसा वसूल रहा। देखे होंगे वीडियो में आप कि आगे में एक मारुति लगा हुआ है, सेंट्रो कार, उसका नंबर है, उस नंबर से पता नहीं लग सकता कि कौन लोग है। पर खुलेआम 7 बजे 2 बजे रात तक तस्वीर चलता है भागलपुर बाईपास में। इसको लेकर आप कहीं अधिकारी भागलपुर SSP महोदय को मेल किया हूं और भागलपुर DIG साहब को भी मैं मेल लिख कर दिया हूं उनके मोबाइल पर, और एक आवेदन लिखित के तौर पर हम लोग देने जा रहे हैं। आप क्या अपेक्षा रखते हैं इसमें?
बड़े पदाधिकारी को नहीं मालूम है इसका मतलब। बड़े पदाधिकारी को अगर मालूम होगी तो निश्चित है कि एक दो को कार्रवाई जिला में हुई है अवैध वसूली को लेकर, तो कुछ सबूत इकट्ठा करके हम लोग देने में लगे हैं, वो सबूत जाएगा तो निश्चित हमें लगता है कि कार्रवाई वैसे पुलिस पर जरूर होगी। परिचय दें। मैं भागलपुर जिला ट्रक यूनियन का जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह दीपक। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।